दोस्तों चटपटी रसोई में आपका स्वागत है। आज चटपटी रसोई में हम बनाने जा रहे हैं खट्टी मीठी चटनी। तो खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए ये मैंने आम, जो कच्चे आम आते हैं वो आम लिए हैं, लेकिन ये आम लेकर मैंने इनको रख दिया ताकि ये थोड़े से पक जाएं। हमें पूरा नहीं पकाना है आम को, आम के जैसा नहीं बनाना और ना ही एकदम खट्टे वाला रखना है। तो इसके लिए मैंने इसको ये आधा किलो 250 ग्राम थे और 250 ग्राम मैंने लेकर इनको रख दिया था दो दिन के लिए। तो अब ये इस तरीके के हो गए हैं, ये कुछ खट्टे हैं और कुछ मीठे हैं। तो बनाना शुरू करते हैं इसकी चटनी। यहाँ देखिए पैन में मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ और थोड़ा सा इसको गर्म हो जाने देते हैं। उसके बाद बहुत आसान है इसे बनाना और खाने में बहुत अच्छी लगती है, खट्टा मीठा टेस्ट देती है ब्रेड के साथ, पराठे के साथ और सब्जी के साथ भी जब खाना खा रहे होते हैं हम, तो साइड में एक अच्छा टेस्ट देने के लिए ये रहती है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा क्रश की हुई डालती हूँ सौंफ और थोड़ी सी मैं डाल दी हूँ इसमें कलौंजी। कलौंजी का टेस्ट इसमें अच्छा लगता है। अब हम डाल देंगे ये गैस को कपड़े से ढक कर। अब इसमें ऐड करते हैं हम चीनी। हम चाहे तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, मैं चीनी डाल रही हूँ 1, 2 और 3। मिक्स कर लेते हैं पहले। गुड़ में भी इसका टेस्ट अच्छा आता है और चीनी में भी, ये अपनी चॉइस पर है। और फटाफट अब हम इसमें डाल लेते हैं, फ्लेम को हमें लो ही रखना है, मसाले। तो मसाले में मैं डाल रही हूँ इसमें 1/4 टेबल स्पून से थोड़ा कम है ये नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च और हम इसमें डालेंगे दरदरी कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च के साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमने नमक भी इसमें डाला हुआ है। थोड़ा सा इसे ढक के पका लेंगे 2 मिनट के लिए, लो फ्लेम पर ही हम इसे पकाएंगे क्योंकि तेज करेंगे तो एकदम ये लगना शुरू हो जाएगी और चीनी भी जो है इसके अंदर एकदम कड़क कर देगी इसको। तो लो फ्लेम पर हम पहले से थोड़ा सा पका लेंगे। ये एकदम पतली चटनी हम नहीं बना रहे हैं तो यहाँ पर मैं इसको 2 मिनट के लिए ढक के पका लेती हूँ। देखिए 2 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। बस बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। मैंने इसको कद्दूकस किया था ताकि मुझे ये थोड़े थोड़े से ऐसे बड़े से जो आते हैं पीसेस, और मोटे कद्दूकस में आप चाहे तो इसे बारीक कद्दूकस भी कर सकते हैं, और बिल्कुल ही पेस्ट बनाना है तो वो भी आपकी चॉइस है, लेकिन मैं अक्सर इसको ऐसे ही बनाती हूँ। चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है हमारी। लीजिए फ्रेंड्स, खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार है, आप भी इसे ट्राई करिएगा। और मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।